आज मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं? हाँ या ना में उत्तर दें। देने से पहले ये जरूर सोच लें कि सक्सेसफुल बनने के बारे में सोचने और सक्सेसफुल बनने में बहुत अंतर होता है। यदि आप सच में सफल बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाने होंगे, ऐसे परिवर्तन जो आपका जीवन बदल दे। लेकिन इसके लिए आपको बहुत लगन, अनुशासन और प्रयासों की जरूरत होगी। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। मुझे मालूम है कि आप एक साहसी इंसान हो और कठिन परिस्थितियों से लड़ने वाले इंसान हो। आप बहुत हिम्मती इंसान हो, अतः आप सफलता के सच्चे अधिकारी हो। आओ जानते हैं कि सफल बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें यह जानना होगा कि सफलता जो एक परिणाम है या फल के रूप में हमारे सामने आती है, इसकी शुरुआत कहां से हुई। आइए इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। यदि आप किसी पेड़ पर कोई मीठा फल लगा हुआ देखते हैं तो सोचिए कि वह फल कहां से आया। जाहिर सी बात है कि वह मीठा फल जिस पेड़ पर लगा है उसी पेड़ का होगा। अब यह भी जानना जरूरी है कि वह पेड़ कहां से आया। उत्तर आसानी से दिया जा सकता है, वह पेड़ एक छोटे से पौधे का विशाल रूप है, तह उसी पौधे से वो पेड़ बना। यदि हम और गहराई से सोचें, आखिर वह छोटा पौधा कहां से आया। यहां कुछ सोचने पर पता चलता है कि वह पौधा जमीन के अंदर से आया, जहां उस पौधे का बीज मौजूद था। यानी अब उस फल का असली स्रोत मिल गया जो एक बीज के रूप में था। दोस्तों, ठीक इसी तरह जीवन में मिलने वाली सफलता भी एक मीठी फल है। जिस तरह उस मीठे फल का मुख्य स्रोत वह बीज था, उसी तरह सफलता नाम के इस मीठे फल का भी बीज जरूर होना चाहिए। आखिर वो बीज क्या है, कहां मिलता है, क्या नाम है उस बीज का। दोस्तों, इस रहस्य को अब ज्यादा रहस्य नहीं रहना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि उस बीज का नाम क्या है। उस बीज का नाम है विचार, अर्थात सोच। जी हां, हमारा विचार ही वो बीज है जो हमें सफलता नाम का मीठा फल देता है। जहां एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस दुनिया का प्रत्येक बीज हमें मीठा फल नहीं दे सकता, उसी तरह हमारा प्रत्येक विचार हमें सफलता नहीं दे सकता। जिस तरह कोई विशेष बीज हमें विशेष फल देता है, उसी तरह कोई विशेष सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उसी तरह कोई विशेष विचार का या कोई सोच को अपने माइंड में रखना ही होगा। उदाहरण के लिए, मैं यदि आम को प्राप्त करना चाहता हूं तो हमें आम के बीज को लगाना होगा। करेले के बीज को लगाकर हमें फल के रूप में आम नहीं मिल सकता। इसी तरह हम अमीरी नाम की सफलता को प्राप्त करने के लिए अमीरों के विचार को अपने दिमाग में लाना जरूरी होगा। गरीबी का विचार अपने दिमाग में लगाकर हम अमीर कभी नहीं बन सकते। अब प्रश्न आता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए सफलता के बीज कहां से लाएं? यह बहुत जरूरी प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम उस रास्ते के बारे में जान लेते हैं जहां ये कोई विचार चलकर सफलता नाम का मीठा फल बनता है। जब हम सफलता के बीज को अपने दिमाग की जमीन पर लगाते हैं और उसे वहां अच्छी तरह पनपने देते हैं, तो वह विचार जिस तरह का है उस तरह की फीलिंग हमारे अंदर पैदा होने लगती है। यह फीलिंग हमें एक्शन के लिए प्रेरित करती है, और जब हम उस फीलिंग के अनुसार काम करते हैं तो निश्चित ही कुछ समय के बाद सफलता नाम का मीठा फल हमें मिलता है। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब सबसे जरूरी प्रश्न का उत्तर कि हमें सफलता के लिए बीज अर्थात विचार कहां से मिलेगा। दोस्तों, हमें सफलता के लिए बीज वहां से मिलेगा जहां इसका भंडार है, और सफलता के बीजों का भंडार नाम है सफल लोगों का दिमाग। जी हां, सफलता प्राप्त कर चुके लोगों के दिमाग के अंदर
आपको वह सभी विचार मिल जाएंगे जिनकी आपको जरूरत है। हमें जानना होगा कि सफल लोगों के अंदर किस तरह के विचार होते हैं। हमें जानना होगा कि सफल लोग किस तरह सोचते हैं। हमें जानना होगा कि सफल लोग किस तरह की सोच रखते हैं। हमें जानना होगा, हमने यह जान लिया तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यहां सबसे अच्छी बात यह है कि सफल लोग अपने उन विचारों और सोच को अपने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि सबके साथ शेयर करते हैं। सफल लोग अपने द्वारा लिखी हुई बुक में हमें अपने जीवन के विचार या सोच बताते हैं। उनकी हेल्प से हम सफल बन सकते हैं। सफल लोग द्वारा आयोजित सेमिनार में लोगों को अपनी सफल सोच को सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं। आपको उन सफल लोगों से मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, ताकि आपको वह सफलता का बीज प्रदान कर सकें। कुल मिलाकर यदि हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें एक काम करना होगा, और वह यह काम होगा, सफल लोग कैसे सोचते हैं, सफल लोग क्या करते हैं, ठीक उसी तरह हमें सोचना होगा, उसी तरह करना होगा। सफल लोग जैसा सोचते हैं वह परिणाम प्राप्त करते हैं। जो सफल लोग प्राप्त करते हैं अर्थात वह सफल लोग जैसा सोचकर सफलता नाम के मीठे फल को चखते हैं, जो बहुत आनंद होता है। और दोस्तों, आपको उनके विचार, उनकी कहानियां या उनके द्वारा किए गए कार्य जो सफल लोग करते हैं, वो सब आपको सिर्फ और सिर्फ पुस्तक में मिल सकती है। इसलिए पुस्तक जरूर पढ़ें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में।